खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। राहुल गांधी अपने भाषण में साफ कह रहे हैं कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो वो गरीबों को बर्बाद कर देंगे, लेकिन उसे किसी ने ना सुना और ना समझा। हालांकि लोग इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि राहुल गांधी ने ये बात जयपुर में साफ साफ नहीं कही, बल्कि घुमा फिरा कर कह डाली। अब हम आपको समझाते हैं कैसे। अपने नवनिर्मित वादे मिनिमम इनकम स्कीम के बारे में राहुल जयपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में बात कर रहे थे। 12,000 रुपये प्रतिमाह मिनिमम मिलने वाली स्कीम के बारे में अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे। तभी उन्होंने घुमा फिरा कर ये बात कह दी कि कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को बर्बाद करने का पूरा प्लान बना रखा है और इस बार अगर कांग्रेस आई तो भारत का गरीब कुछ इस तरह से बर्बाद और लाचार हो जाएगा जैसे पहले कभी ना था। पहले तो आप इस बात को समझिए कि ये स्कीम है क्या। ये कहती है कि किसी भी गरीब को तभी उसके खाते में पैसे मिलेंगे जब उसकी आय 12,000 से कम होगी, और उसकी आय 12,000 से जितनी कम होगी उसे 12,000 तक पहुंचाने के लिए सरकार उसके खाते में उतने ही पैसे डालेगी। यानी अगर आपकी आमदनी 7,000 है तो सरकार उसे 12 करने के लिए 5,000 डालेगी। इसका मतलब कि जो सरकारी लाभ लेना चाहे वो कभी अपनी आय ही ना बढ़ाए। और अब इससे कई तरह के नुकसान तो होंगे ही, जैसे मजदूर मेहनत करना नहीं चाहेगा, जैसे एक नंबर में कोई अपनी आय बढ़ाना नहीं चाहेगा, और दो नंबर का पैसा भारत में फिर बढ़ेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन इस स्कीम की सबसे बड़ी बर्बादी की तरफ किसी ने भी गौर नहीं किया, जिसे राहुल गांधी खुद अपनी जुबान से ही बोल गए। सुनिए आप भी इन्होंने क्या बोला। मिनिमम इनकम की लाइन बनानी पड़ेगी, पूरा हमने कैलकुलेट किया और एक नंबर निकला, मिनिमम इनकम लाइन का नंबर 12,000 रुपए हर महीना। अब ये बहुत बड़ी बात बोली है मैंने, क्या है ये मिनिमम इनकम लाइन? क्या है 21वीं सदी में? कांग्रेस पार्टी चाहती है और हमारे सब कार्यकर्ता चाहते हैं, हमारे सब नेता चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक गरीब ना बचे, एक व्यक्ति भी इस लाइन के नीचे ना रहे। 12,000 रुपए, उसी में उस व्यक्ति की इज्जत, उसी नंबर में उस व्यक्ति का भविष्य, उसी नंबर में उस व्यक्ति की खुशी, उसी नंबर में उस व्यक्ति के बच्चों का की शिक्षा, उसी नंबर में उसका उसके माता पिता का इलाज। 12,000 रुपए, समझिए इसका मतलब। अगर ये स्कीम लागू हुई तो इसी 12,000 में आपको सब कुछ करना है, बाकी सारी सरकारी स्कीम्स बंद, मुफ्त शिक्षा बंद, इलाज में 3,00,000 और 5,00,000 की भामाशाह और आयुष्मान से मिलने वाली राशि भी बंद। यानी अगर आपके माँ बाप को कोई बड़ी बीमारी होती है जिसका खर्चा 3,00,000 से अधिक है तो वो भी आपको इस 12,000 से ही निकालने हैं। अब आप खुद ही सोचिए, 12,000 देकर ये हमारे गरीबों को लाचार, कमजोर और हमेशा के लिए खैरात पर निर्भर रहने वाला बनाने की तैयारी कर रहे हैं? या फिर कठोर शब्दों में कहूँ तो ये भीख मांगने को कानूनी रूप देने की एक बहुत बड़ी तैयारी है। लेकिन सोचिए जरा, और इस वीडियो को बार बार चलाकर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि इस स्कीम के जरिए कांग्रेस भारत को एक बार फिर गुलाम बनाने की तैयारी कर रही है। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया,
जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672।